तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अर्णब गोस्वामी को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस ने अर्णब की गिरफ्तारी की। अर्णब पर इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अपने ऑफिस का काम कराने के बाद अर्णब ने 83 लाख रुपए नहीं दिए और ऊपर से उनको धमकियां दी। अब मई 2020 में इंटीरियर डिजाइनर की बेटी ने दोबारा न्याय की मांग की है और ये मामला सीआईडी को सौंप दिया गया है। 4 नवंबर को अर्णब की गिरफ्तारी हुई और उनको क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया। अब कोरोना के इस दौर में कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अर्णब गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा और अब अर्णब गोस्वामी का हाल बेहाल है। जब उन्हें जेल ले जाया जा रहा था तब वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। अर्णब का चरित्र चाल चलन ऐसा है कि बार बार मना करने के बावजूद भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। वह एक नंबर के ढोंगी और नौटंकी इंसान है। अर्णब को मुंबई के तलीजा नामक जेल में रखा गया था। बाकायदा गाड़ी को पूरी तरह कवर करके अर्णब गोस्वामी को ले जाया गया, लेकिन अर्णब गोस्वामी उसमें भी चिल्लाते रहे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट का कहना है कि जमानत के लिए उन्हें सेक्शन कोर्ट जाना पड़ेगा। अर्णब को कुछ दिन और जेल में ही काटने पड़ेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 56 पन्ने के आदेश में कई अहम टिप्पणियां की गई। जांच अधिकारी ने संबंधित मैजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट रख ये समझ लिया कि उन्होंने देख लिया और दर्ज हुआ। ये सही है। हमें कोई संदेह नहीं कि राज्य सरकार हमेशा संबंधित पुलिस अफसरों को आगे की जांच का निर्देश दे सकती है, जैसा कि इस मामले में किया गया है। हमारी राय में आगे की जांच को अवैध और मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं कहा जा सकता है।